हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का एग्जाम चल रहा है, आपको पता है फ्रेंड्स। 15 अप्रैल ऑल शिफ्ट का पेपर मैं लेके आ गया हूँ। जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को पूरा स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड कराए गए हैं जो कि कल के एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो आपका क्वेश्चन का लेवल है उसको देखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, किसने एयर ब्रेकर का आविष्कार किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इक्विटी बाज़ार पर किस संस्था का नियंत्रण है। तो भारत में इक्विटी बाज़ार पर जो कौन सी संस्था का नियंत्रण रहता है, ज़्यादातर सेबी का। सेबी का आपको फुल फॉर्म भी ज़्यादातर पूछ सकता है, तो आप इसको बढ़िया से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार आपको ध्यान रहना चाहिए, एबल पुरस्कार आपको गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, अलास्का किस देश का भाग है। अलास्का किस देश का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबंध रखता है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका उद्योग मंत्रालय से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कब गठन किया गया था। तो झारखंड राज्य का गठन जो है आपका 15 नवंबर 2000 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या हो जाएगा, मकरान तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो नागरिकता के संबंध में संविधान जो भाग 2 में उल्लेख है। देखिए, नागरिकता का जो संबंध होता है, टोटल संबंध संविधान के किस भाग में, तो ये भाग 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डंडा नाट किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो देखिए आपका ओडिशा का ये लोक नृत्य है। रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो लुईस पाश्चर ने। याद रखे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान द्वारा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जो है ना, चित्रकूट जलप्रपात होगा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं। तो सतलज, चिनाब और रावी नदियां ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग जो है ना हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो कैसर ए हिंद जो उपाधि है ये लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, सोमनाथ किसकी मंदिर का मतलब शिलान्यास है। देखिए, ये शंकर भगवान की मंदिर है और इसकी उन्हीं की शिलान्यास वहीं पे हुई है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटक स्थल सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है। तो पर्यटक स्थल सूरज कुंड आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो कौन सा ग्रह जो होता है उसका औसत घनत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो बृहस्पति का औसत घनत्व तो सबसे अधिक होता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि टमाटर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन जो है ना उसके कारण होता है, लाइकोपिन जो है ना तत्व उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है। तो कोयला आपका परतदार चट्टान है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना होगा उसके ऊपर। देखिए, लकड़ियों को हम लोग जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रकार का कोयला बनता है, ठीक है, एक प्रकार का कोयला बनता है। और कोयला से भी कभी भी हम लोग खाना बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका एक परतदार चट्टान होती है, वो कोयला उसी प्रकार का चट्टान होता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के लिए
के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ना ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आपके तुलसीदास की उक्ति है। किसकी? तुलसीदास की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि प्राप्त पर्याप्त होती है, तो सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि है वो ज़्यादातर पर्याप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किन राज्यों को सात बहनें कहा जाता है, तो पूर्वी भारत के राज्य को सात बहनें सेवन सिस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बोलते हैं, कानून मंत्री कौन है, तो ये B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविज़न पुरस्कार कौन सा है, तो एमी पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविज़न पुरस्कार है। इटली की एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इटली की एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, तो एकीकरण का तलवार जो इटली की उसे गैरिबाल्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र जो है सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है, तो जॉली व्यास आपका किस द्वीप समूह, फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया दिया जाता है, तो भसीन पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो आंसर आपका मोहन जोदड़ो में जो घर के मतलब स्थल में, देखिए क्या हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में कौन सा स्थल है फ्रेंड्स जहाँ पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में आपको जब विजिट करोगे यहाँ पर तो आपको घर के अंदर देखिए आपको छोटे छोटे जो घर बने होते हैं छोटे छोटे घर बने होते हैं वहाँ के अंदर में आपको जाओगे तो एक कुआं देखने को मिलेगा जो घर के अंदर में रहता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, देखिए फ्रेंड्स आपको यह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि कभी भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, जो आज के एग्जाम में भी बेसिकली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया है, तो मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना आपको नवपाषाण काल में प्रारंभ किया है। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया, तो देखिए फ्रेंड्स शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नामकरण जो है ना पटना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं फ्रेंड्स 12 जोड़े होते हैं, कितने 12 जोड़े होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है, तो अनुच्छेद 170 में जो आपका संविधान का अनुच्छेद जो है ना विधानसभा का गठन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोयला किस राज्य का राजकीय पक्षी है, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो झारखंड का यह राजकीय पक्षी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको रट लीजिएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम आपका अवंतिका था, क्या था, अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा आपकी तमिल हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी के केंद्र में आपका निकेल नाम का चुंबकीय पदार्थ विकसित होता है। किस सूफी संत को सुल्ताने तारिकीन की उपाधि मिली है, तो देखिए फ्रेंड्स शेख हमीदुद्दीन नगौरी को सुल्ताने तारिकीन की उपाधि पर्याप्त रूप से मिली है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है, तो लॉर्ड एलन बरो के साम्राज्य में, देखिए फ्रेंड्स इनके कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी, तो सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु 21 वर्ष कर दी लॉर्ड रिपन ने ऐसा कार्य किया था। लंदन में टीपू सुल्तान के तलवार खरीदकर भारत कौन लाया, फ्रेंड्स देखिए विजय माल्या जो है ना लंदन में टीपू सुल्तान का जो तलवार है उसको खरीदकर भारत में लाए थे। किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है,
तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य में जिसमें न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो पंजाब में बहुत ही कम वन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। एलोरा का विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वमश्न प्रथम ने। किसने? एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण वमश्न प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना का काम और उत्पादन था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा काम और उत्पादन था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो ओपेक का जो मुख्यालय है आपका वियना में स्थित है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का ऋतु परिवर्तन की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह में ऋतु परिवर्तन की संभावना है? तो ये मंगल ग्रह में आपका ऋतु परिवर्तन का संभावना होता है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होती है, सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए भारत की, अगर उम्मीदवार बन रहे हो प्रधानमंत्री के पद में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। 21वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो है ना आपको 2018 ईस्वी में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, थर्मस आपको ध्यान देना है कि थर्मस में आप पानी को गर्म करते हो, ठीक है, और पानी को ठंडा करके भी रख सकते हो उसमें, तो ये किसके वजह से होता है? करचौफ के नियम के वजह से होता है। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सी देश अंगुली नुमा झीलों के लिए लोकप्रिय है? तो फ्रेंड्स, फिनलैंड जो आपका अंगुली नुमा झीलों के लिए लोकप्रिय है। बाबर की जो तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुके बाबरी। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप समूह स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो हार्टॉग समिति की स्थापना की गई थी। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य को शंकरदेव को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती इनकी कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय जो है ना पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पनियाल और इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरल में यह निवास करती हैं। यह संभव है कि तिहाड़ जेल में संबंधित यह बमती किसकी रचना है? यह आपकी किरण बेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राज पुरोहित आपके गंगा भट्ट थे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागर के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभों पर आश्रित है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग वर्णित है? तो अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग चुनाव आयोग वर्णित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको जितने भी नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी मैं बात करता हूँ मैथ्स की क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं। HCF LCM कर लीजिएगा फ्रेंड्स, HCF LCM और अब DI के क्वेश्चंस ज़्यादातर करिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसको। डेटा इंटरप्रिटेशन में मेंसुरेशंस के आप बार ग्राफ देख सकते हो, पाई चार्ट देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको DI से भी पूछे जा रहे हैं। HCF LCM नंबर सीरीज, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रेन से कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ट्रेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं बात करता हूँ, देखिए नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जितने आप कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों में ज़्यादातर पूछे गए हैं। और अगर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आप 2D ज्योमेट्री पढ़ सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। 3D ज्योमेट्री पढ़ सकते हो
तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब क्वेश्चंस आज के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं और कल के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।